वाराणसी शहर के सुंदरपुर नेवादा के नट बस्ती में सीवर लाइन न होने से लालती देवी सहित 400 लोगों को शौचालय संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं सबनम और ये है मेरे समुदाय के लोग। ये शौचालय कब बना आपके घर में? दो साल जो मकान बना, हाँ, तब ही को बना हुआ है। तो ये इस्तेमाल में क्यों नहीं है आपके? अरे हम लोग जिस उसमें बैठे गए तो कहा किधर जाएगा, अंदर तो आएगा बह के, कोई गड्ढा रहता, कोई उसमें सीवर बैठा रहता तो अंदर अंदर पास हो जाता। तो आप शौच करने के लिए कहाँ जाती हैं तब? उधर 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 जाते हैं, नर्मदा तीरे उधर। तो क्या कोई समस्या होती है जाने में? तब का ढेला चक्का मारते हैं, अब वो कहता है कि बाउंड्री घिर गया, हाँ, गेट उसमें नहीं लगा है, हाँ, आपका दुआरी सामने है और उस बाउंड्री में इधर से घूम के आएंगे हम लेटरिन करेंगे तो आप क्या करोगे, मारोगे कि नहीं? हमारे गाड़ी बक्के वो कुत्ता छोड़ देते हैं हम लोग को। कुछ घरों में तो शौचालय हैं इन बस्ती वालों के लिए। पिछले 2 साल पहले शहरी आवास योजना के तहत कांशीराम आवास योजना बनी थी, जिसके तहत इनमें 20-25 लोगों परिवारों के घर बनाए गए थे, पक्के बनाए गए थे, और जिसके तहत उसमें सीवर और शौचालय आवश्यक था। तो शौचालय तो बने लेकिन सीवर ना तो इस मोहल्ले में पूरा कहीं सीवर है ना उसकी कनेक्टिविटी है, तो उस शौचालय की कहीं कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। तो शौचालय तो बने हैं लेकिन उसकी कोई उपयोगिता ना होने से ना सिर्फ उन लोगों को बल्कि बाहर के लोगों को भी बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस सीवर लाइन के ना होने से 3,000 लोग इफेक्टेड हैं, और जिसमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड ये नट बस्ती वाले लोग हैं, क्योंकि इनके पास तो शौचालय ही नहीं है और जो है वो कनेक्टेड नहीं है। इसके लिए आप लोगों ने कभी कोई प्रयास किया? जी, प्रयास तो हमने 2-3 बार किए। कई बार ऐसा हुआ कि हमने सभी लोगों के साइन किए और साइन ले करके एक एप्लीकेशन लिखा और नगर आयुक्त के पास दिया, और कई सारे प्रयास किए, हमने चक्का जाम तक किया, लेकिन इसका प्रयास कुछ भी फलीभूत नहीं, कुछ भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि इस नटबस्ती में सीवर लाइन बिछाई जाए ताकि इन लोगों की परेशानियाँ दूर हो सके। आप सभी लोगों से हमारी अपील है कि आप लोग वाराणसी के जिलाधिकारी के मोबाइल नंबर 9454417579 पर कॉल करके दबाव बनाएं ताकि इस नटबस्ती की समस्याएं दूर हो सके। मैं शबनम वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहट के लिए।